Hey guys, welcome back to my channel Abhiksha. Hope you all are doing well. So मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने बॉडी हेयर और अपने फेशियल हेयर से कैसे छुटकारा पा सकते हैं. एक्चुअली रिसेंटली मैं एक प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ ऑन माई स्किन. मैं अपने फेस पे भी यूज़ कर रही हूँ एंड अपने हैंड्स पे भी यूज़ कर रही हूँ. मुझे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट लगा इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ. लोगों में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी फेशियल हेयर को कैसे रिमूव किया जाए, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप रेज़र यूज़ करो. बट हमेशा रेज़र यूज़ करना भी सही नहीं होता है, बिकॉज कई बार अगर आपने कभी रेज़र यूज़ नहीं किया है तो बिगिनर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है रेज़र यूज़ करना. मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ. एंड गाइज मैं यूज़ कर रही हूँ इसे. एंड प्लीज़ पूरा वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करिएगा. नेगेटिव कमेंट करने से कुछ भी नहीं होता है. आप लोग प्लीज़ पहले वीडियो को पूरा देखा करिए. एंड मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ. आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये है न्यूट का एक्सपोज योर सेल्फ नेचुरल हेयर इनहिबिटर. आजकल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकती हूँ कि ये इफेक्टिव है या नहीं है. एंड गाइज ये सीरियसली इफेक्टिव है, ये मुझ पर वर्क किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क किया है. अब आपके दिमाग में होगा इसके अंदर कोई रेज़र होगा या फिर कुछ होगा जिससे आप अपने हेयर्स को हटा दोगे या फिर लेज़र ट्रीटमेंट टाइप का कुछ होगा, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें आपको एक लोशन मिल रहा है, एक क्रीम मिल रही है जिससे कि आपका जो हेयर है, आपके अनवांटेड हेयर है, उनको आप धीरे धीरे करके ख़त्म कर सकते हो. प्लीज़ मेरी इस लाइन पर थोड़ा सा वजन डालिएगा धीरे धीरे करके. ऐसा नहीं है कि इसको लगाने के बाद आपके बाल एकदम से गायब हो जाएंगे और आपकी स्किन बड़ी अच्छी लगने लगेगी, ग्लोई ग्लोई. एक्चुअली हेयर्स नहीं होते तो स्किन अच्छी लगती ही लगती है. बट इससे आपको टाइम लगेगा, बट आपको रिजल्ट मिलता जाएगा, आपको हर एक बार में रिजल्ट दिखता जाएगा, इम्प्रूवमेंट होता जाएगा. सो बेसिकली ये क्या करता है मैं आपको बता देती हूँ. पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में रिसीव होता है आपको. इसका बॉक्स जो है बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया पर्सनली. एंड इसके साथ आपको एक पूरा इंस्ट्रक्शन किट भी मिल रही है कि इस पर कैसे कैसे आपको इसको यूज़ करना है. इसमें लिखा है रिमूव अनवांटेड बॉडी हेयर यूजिंग एनी ट्रेडिशनल हेयर रिमूवल मेथड सच एज क्रीम वैक्सिंग. सो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में बहुत ढेर सारे बाल हैं. चलिए हम हाथ का एग्जांपल लेते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और आपने ये क्रीम यूज़ कर ली और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करो कि धीरे धीरे करके आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पहले आपके जहाँ पर हेयर्स हैं पहले आपको उसको क्लीन करना होगा बाय यूजिंग वैक्सिंग और रेज़र. कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो. सो आपको सबसे पहले इसको क्लीन करना होगा. अगर क्लीन हो जाएगा तभी ये लोशन अच्छे से वर्क करेगा. मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो क्रीम होती है, ये जो लोशन होता है, ये आपके पोर्स के अंदर जाके आपकी हेयर ग्रोथ को मिनिमाइज़ करता है और आपके जो पोर्स होते हैं उनको भी मिनिमाइज़ करता है. इससे क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ होती है वो कम होती है. मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि ग्रोथ नहीं होती है, मैं ये बोल रही हूँ कि ग्रोथ कम होती है, धीरे धीरे करके कम होती है. एंड अगर आप इसको यूज़ करोगे, मैं आपको बता देती हूँ आपको इसको डेली यूज़ करना है. आपको जहाँ की प्रॉब्लम है, लाइक आप जहाँ चाहते हो कि आपको यहाँ के बाल लाइक परमानेंटली आपको धीरे धीरे करके कम करने हैं, वहाँ पर आप इसको डेली यूज़ करिए. डेली लाइक आपको डेली रात में तो आपको उसको यूज़ करना ही करना है. अपने पहले आप वहाँ के हेयर्स को हटाओ एंड आफ्टर दैट आपको इसको लोशन को अप्लाई करना है अच्छे से और उसके बाद आपको सो जाना है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपने फेशियल हेयर से परेशान हो, जो कि ऑलमोस्ट सब परेशान है, मैं इसको अपने फेशियल हेयर्स के लिए ही यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट इस बीच दिख रहा है. पहले मेरे हेयर्स थोड़े ज़्यादा थे, आप लोगों ने अगर नोटिस नहीं किया होगा तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हो, तो मुझे ही थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है. मैं इसको अपने फोरहेड पे भी यूज़ कर लेती हूँ, मैं सच बता रही हूँ. बस फोरहेड पे भी हल्के हल्के ब्लैक से बाल आते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो मैं इसको फोरहेड पे यूज़ करती हूँ. एंड एज वेल एज मैं इसको अपने साइड में यहाँ पर यूज़ करती हूँ. मेरे को यहाँ वाले बाल बिल्कुल नहीं अच्छे लगते यार. एक्चुअली अगर आप मेकअप करते हो तो आपके जो ये वाले हेयर्स हैं ना वो बहुत ही गंदे लगते हैं. सी हमारे पूरे फेस में छोटे छोटे हेयर्स होते ही होते हैं. जब आप मेकअप करते हो और बहुत जूम करके देखते हो अपनी पिक्चर या फिर जूम करके आप कैमरा देखते हो तो आपको दिखता होगा कि वो छोटे छोटे हेयर्स हैं, उनकी वजह से मेकअप आपका फ्लॉलेस नहीं लगता, जैसे कि एक्ट्रेसेस का लगता है या बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस लगता है, जस्ट बिकॉज कि उनकी जो स्किन होती है वो बहुत क्लीन होती है. तो आपकी स्किन भी क्लीन हो सकती है बाय यूजिंग दिस लोशन. अगर आपको फेशियल हेयर में प्रॉब्लम है तो आपको बस ये करना है कि आपको इसको जस्ट अप्लाई करना है. थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, लेट मी शो यू. सो ये है वो लोशन, मैं आपको दिखाती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है. आपको इसकी ड्रॉप लेनी है. सो मैंने यहाँ पर ये बहुत थोड़ा सा लिया है. एंड मेक श्योर कि इससे पहले आपके फेस पे कोई मेकअप ना हो, तो मेरे फेस पे अभी कोई मेकअप नहीं है, मैंने इस वीडियो के लिए कोई मेकअप नहीं किया. मैंने बस यहाँ पर अपनी थोड़ी सी आईब्रोज फिल की, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है, हाँ लाइनर भी लगाया है. तो मैंने फेस पे लाइक फेशियल कोई क्रीम नहीं लगाई, फाउंडेशन नहीं लगाया, बीबीसी से क्रीम कुछ नहीं लगाई.
तो बस इसको आपको लेना है, और ये आपको आपको जहां जहां हेयर्स की प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को अपर लिप्स की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या देखो हेयर्स तो अच्छे होते हैं, अगर स्किन पे हेयर्स है तो कोई इसमें बुराई नहीं है, बट कभी कभी वो थोड़े से ख़राब लगते हैं अगर आप मेकअप करो तो, ऐसी सारी चीज़ों, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगती है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही अच्छी वाली है यार, बढ़िया वाली है, मतलब ऐसा नहीं कि आप लगा के सो नहीं सकते हो, तो आप इसको लगा के आराम से सो सकते हो, आपको बस इसको ऐसे हल्का सा मसाज कर लेना है, उसके बाद इसको छोड़ देना है। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि फेस के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप अगर अपने अपने हेयर, सो अगर आपके फेस पे भी बहुत ज़्यादा हेयर्स है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप उसको क्लीन कर लो रेज़र वगैरह से, जो कि फेशियल रेज़र आता है उसी से क्लीन करिए, एंड उसके बाद आप ये लोशन अप्लाई करिए, लाइक डेली आपको अप्लाई करना है। एंड अगर आपके फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, इसका इफेक्ट आएगा। एंड इन केस आपको थोड़ी सी भी लाइक इचिंग होती है तो वो बहुत ऑब्वियस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। इसको लगातार आप यूज़ करोगे, आपको हर दिन यूज़ करना है, लाइक एक महीने बाद आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखाई देगा, कि जब आपकी ग्रोथ होगी ना तो बहुत ही कम होगी, ग्रोथ कम मतलब कि थोड़े दूर दूर आपके हेयर्स आएंगे, थोड़े से ब्राउनिश में हेयर आएंगे, हाँ ब्राउनिश में आएंगे, फेस का तो मुझे समझ में आता है कि ब्राउनिश आते हैं, हाथ की मेरी ग्रोथ अभी उतनी ज़्यादा हुई नहीं है तो मैं आपको बहुत ही क्लियरली नहीं बता सकती। तो इससे आपके क्या होंगे कि बहुत ही दूर दूर हेयर्स आएंगे, बहुत ही पतले पतले आएंगे। एंड जो सबसे अच्छी चीज़ है इसकी वो ये है कि इसको यूज़ करने के बाद आपके वो कांटे वाले हेयर्स तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। एक होता नहीं रेजर यूज़ करने के बाद लगता है कांटे कांटे निकल आए, तो वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। सो मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस भी बता देती हूँ इसके साथ साथ में, जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। द फर्स्ट वन इज़ कि फॉर एक्सटर्नल यूज़ है ये, ठीक है, अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, सीधी सी बात है, आँख से दूर रखना है। डू अ पैच टेस्ट बिफोर यूजिंग रेगुलरली, सही बात है। सो जस्ट डू अ पैच टेस्ट बिफोर यूजिंग रेगुलरली। सो जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है और ध्यान देने वाला पॉइंट है। सबसे पहले आप इसको यूज़ करना शुरू करो अपने हाथ के किसी हिस्से में, ठीक है, आप इसको यूज़ करो, हफ्ते तक यूज़ करो। अगर आपको लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तभी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप फेस पर शुरू करो इसको यूज़ करना, इफ़ यू नीड। लेकिन सबसे पहले आपको टेस्ट करना है अपने हाथ पे, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मुझे सूट कर रही है वो आपको भी सूट करे। तो मैं आपको सबसे पहले यही बता दूंगी कि आप सबसे पहले इसको बाय करने के बाद अपने हाथ पे इसकी टेस्टिंग शुरू करिए, एंड अगर आपको लगता है कि ये इफेक्टिव है उसके बाद ही आप इसको अपने फेस के लिए यूज़ करिए। एंड यहाँ पर लिखा है कि ये एडवांस फॉर्मूला है, 80 ग्राम्स, जो इसकी क्वान्टिटी है वो 80 ग्राम्स है। और एक दो चीज़ें मैं आपको और बता देती हूँ कि 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, एंड इसको मैन वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप अपने हस्बैंड के लिए चाहते हो तो आपके हस्बैंड भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करोगे तो ये परमानेंटली आपके हेयर्स को बहुत ही ज़्यादा कम कर देगी या फिर गायब कर देगी। एंड इससे पहले कि आप इस प्रोडक्ट के प्राइस को लेके बहुत सारी चीज़ें बोलो और जजमेंटल हो जाओ मेरे बारे में, मैं आपको बता देती हूँ इसका प्राइस है 1500, जो कि बहुत ज़्यादा है, आई नो बहुत ज़्यादा है, बट ये इफ़ेक्टिव है, मैंने यूज़ किया है। मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो ही आप इसको ऑर्डर करिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि आपको इसकी नीड है। एंड फेस के जो फेशियल हेयर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इस समय कम हो गए हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थोड़ा सा ये यहाँ पर बच रहे हैं, बट मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो मुझे लग रहा है ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सो अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हो। एंड इन केस आप इसे यूज़ करते हो तो प्लीज़ मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, एंड इसकी जो भी अपडेट है मैं इंस्टा पर अपडेट करती रहूँगी कि अब मुझे क्या लग रहा है, लाइक कितने दिन में कितना डिफरेंस आया, तो मैं वहाँ पर अपडेट करती रहूँगी। अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो ये है मेरी इंस्टा आईडी, अभी फॉलो कर लीजिए। तो मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ दोबारा से बहुत अच्छे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।